आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे क्लास 12th के, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इसको पढ़ने से पहले मेरा जो वीडियो है बायोट सेवर्ड लॉ, उस वीडियो को ज़रूर रेफर कर लीजिए, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये हम बायोट सेवर्ड लॉ की मदद से करेंगे। ठीक है, एक और लॉ है दैट इज़ कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ, और वो एम्पियर सर्किटल लॉ से भी सेम डेरिवेशन को करेंगे लेकिन दूसरे लॉ से। फिलहाल ये डेरिवेशन हम बायोट सेवर्ड लॉ की मदद से करेंगे। ठीक, तो बायोट सेवर्ड लॉ पहले रिवाइज करते हैं कि होता क्या है। बेसिकली क्या है कि कोई अगर तार है, किसी भी तार में अगर करंट फ्लो करता है तो इसके अराउंड प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, और किसी भी पॉइंट पी पर, आपको कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, अगर आपको इस करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो बायोट सेवर्ट लॉ हमें वो एक्सप्रेशन देता है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका कॉन्स्टेंट है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें जो डीएल होता है वो इस तार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जिसके थ्रू हमको मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आर, तो आर जो होता है वो डीएल और पी के बीच का डिस्टेंस होता है। ऐसे ही थीटा की बात करें तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, अगर डीएल और आर के बीच में एंगल बनाएंगे तो वो थीटा होता है। इसको हम बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। अब क्योंकि ये लॉ है तो इस लॉ को हर जगह लगाना पड़ेगा, जैसे इससे एक और डेरिवेशन में हमने सेम इसी लॉ को लगाया था सर्कुलर रिंग में, मतलब एक सर्कुलर रिंग थी जिसमें करंट फ्लो कर रहा था और किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। अब हम क्या करेंगे कि सेम लॉ को हम लगाएंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस डेरिवेशन से। अब इस डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमको एक स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा एक कंडक्टर लेना पड़ेगा। लेट अस सपोज उसकी लेंथ हमने ले ली ए बी, क्यों? क्योंकि फाइनाइट साइज का है, मतलब जिसका लेंथ डिफाइंड हो। ठीक, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज ऊपर की तरफ, मतलब इन अपवर्ड डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है जहां पर आपको इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से हम पॉइंट पी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उंगली कर्ल करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो और अंगूठा किस तरफ पॉइंट करता है, करंट की तरफ। हमें देखना है कि हमारी जो उंगलियां हैं कर्ल कर रही हैं वो प्लेन के अंदर जा रही हैं कि बाहर निकल रही हैं। तो इस केस में मेरी उंगली अगर कर्ल करेंगे तो प्लेन के अंदर जा रही है, तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनटू द प्लेन होगा। ठीक, अगर पॉइंट पी यहाँ पर कहीं होता तो बच्चों अंगूठा हम ऐसे रखते, ठीक है, हमने देखो अंगूठा ऐसे रखा इसके डायरेक्शन में, ऐसे तो रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमको पॉइंट पी की तरफ इशारा करना है, तो इसलिए हमारा हाथ का इशारा पी की तरफ होना चाहिए। तो अंगूठा होगा करंट के डायरेक्शन में। अब उंगलियों को कर्ल करिए, अब आपकी उंगलियां बोर्ड से बाहर निकलती हुई हैं, इसका मतलब पॉइंट पी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो वो हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। ठीक, तो ये तो हमारा डायरेक्शन फाइंडिंग का तरीका हो गया। एक और रूल है जो मैंने डिस्कस किया था, राइट हैंड पाम रूल। तो चाहे आप राइट हैंड पाम रूल लगाइए, चाहे आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगाइए, आपको बहुत आसानी से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप उसकी निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इस डेरिवेशन को देखते हैं, मतलब फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पॉइंट पी से हम एक काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है सी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज वो आर है। आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर बायोट सेवर्ड लॉ याद करें तो बायोट सेवर्ड लॉ में हमने पूरे तार पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बजाय उसके बहुत छोटे से हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। यहाँ पर भी वही काम करिए, यहाँ पर हम इस तार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। ये सपोज करिए इस तार का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम डी एल बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल लेंथ।
अब हमें इसकी वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो डेरिवेशन कैसे होगा, इसके जो नीचे वाला पॉइंट है उसको पॉइंट पी से जोड़ दीजिए, इसके जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको भी पॉइंट पी से जोड़ दीजिए, इस पॉइंट को हम डी ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम ई ले लेते हैं, ठीक। ये जो एंगल सबटेंड होगा इसको हमने फाई ले लिया। अब क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है इसलिए हम इसको डी फाई ले लेते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फिजिक्स में वो छोटी वैल्यू को डी या डिफ्रेंसिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब बेटा आपको करना क्या है, बेसिकली थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी है। ज्योमेट्री के लिए डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, किस पर, ई पी वाली लाइन के ऊपर। लेट अस सपोज इस परपेंडिकुलर को हम एफ ले लेते हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलो डेरिवेशन में देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर लॉ। कुछ वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करिए इन ट्राइंगल, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है। अच्छा, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को थीटा मान लीजिए। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक। और एक और चीज़ मिसिंग है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम एक्स लेंगे, ठीक। अब देखो अगर हम छोटा वाला ट्राइंगल लें डी ई एफ, स्मॉल ट्राइंगल देखिए, ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका डी एफ और हाइपरटेन्यूज क्या है बच्चों डी एल। तो यहाँ से डी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर इसको 1 कर दीजिए, इसको हम इक्वेशन नंबर ए कर देते हैं, ठीक। अब आ जाओ दूसरे ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल डी एफ पी, ये जो पतला वाला कॉनिकल ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है ना डी एफ पी, इस पर आ जाइए। तो यहाँ पर एंगल क्या है, साइन डी फाई, ठीक है, ये डी फाई एंगल है। सेम फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें डी एफ और हाइपरटेन्यूज देखिए क्या है बच्चों, हाइपरटेन्यूज है आपका एक्स, ठीक। अब डी एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स साइन डी फाई, ठीक। अब थोड़ा सा हम इसमें लगाएंगे एजम्पशन, ये जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू आपको दिख रही है ये बहुत लार्ज वैल्यू है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू डी एफ। डी एफ के मुकाबले x बहुत लार्ज है। अगर x बहुत लार्ज है तो मतलब साइन डी फाई की वैल्यू बहुत स्मॉल है, ये जो वैल्यू है दिस इज ओवरऑल वेरी स्मॉल। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो साइन डी फाई को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय डी फाई, कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी करिए। तो डी एफ की वैल्यू हो जाएगी एक्स डी फाई, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए, ठीक। अब देखिए ये भी डी एफ है, ये भी डी एफ है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डी एल साइन थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स डी फाई। और इस वैल्यू को उठा करके पुट इन इक्वेशन नंबर 1, डी एल साइन थीटा की जो वैल्यू है डी एल साइन थीटा, इसकी जगह पर x इंटू डी फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक, डी एल साइन थीटा की जगह x ऑफ डी फाई पुट करेंगे। अब यहाँ पर है r, ठीक है, r माने होता है कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है, टू द पॉइंट, जिस पॉइंट से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए जो डी एल है उस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ तक निकालनी है, पॉइंट पी तक निकालनी है। तो यहाँ पर इस केस में हमारे जो डिस्टेंस होगा आर, उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स। तो एक्स बेसिकली हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एंड डी एल जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो r की जगह हम बेसिकली यूज करेंगे x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। तो भाई ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये आंसर आ गया, ये आपका हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन x। अभी भी कहानी जमी नहीं, अभी वो बात नहीं आई है, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे,
डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए हम दूसरे तीसरे ट्रायंगल पर आते हैं, सी डी पी पे आ जाओ बच्चों। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि अगर हमको ये वाला ट्रायंगल देखना है, आप देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हमको निकालना है कॉस फाई, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, तो बेस कितना है आर, हाइपरटेन्यूज कितना है एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ सकती है आर अपॉन कॉस फाई। एक्स की वैल्यू उठाकर इसमें सब्सिट्यूट कर दीजिए तो आपको डी बी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई डी फाई अपॉन नीचे क्या है 4 पाई, एक्स की जगह आर कॉस फाई हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ डी एल। अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, एक्चुअली हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है ये बहुत छोटे से लेंथ की वजह से निकाली है, कितने एंगल पर निकाली है, फाई एंगल पर निकाली है। अब अगर आपको पूरी लेंथ कवर करनी है, मतलब जो ए बी लेंथ है वो फुल लेंथ कवर करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे जो हिस्से हैं डी एल, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। तो आसान तरीका फिजिक्स में क्या होता है कि एडिशन मत करो, उसको इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि जो डी एल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकली है वही सेम मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट के लिए होगी। तो आपको 4, 5, 6 ऐड करने की बजाय आप सिंपली उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकली है डी एल की वजह से, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, किसके ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, फॉर फुल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। बेसिकली ये हमारा जो फॉर्मूला है, अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे कि हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, इसका। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई है, ठीक है, तो आई कॉस फाई डी फाई हो जाएगा अपॉन आर हो जाएगा, ठीक। अब इंटीग्रेशन देखिए किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ डी फाई मतलब आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो लेंथ हम जिसको रखेंगे पूरी कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो एंगल के टर्म्स में होनी चाहिए, मतलब इतना एंगल ये सबटेंड कर रहा है जब डी एल को लिया जा रहा है। अगर पूरी लेंथ को लिया जाएगा तो पॉइंट पी पर कितना एंगल सबटेंड होगा, उसके लिए ये बी है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट पी से, ऐसे ही हम ज्वाइन कर देते हैं इसको पॉइंट ए से, ठीक। अब ये जो पूरा एंगल ये सबटेंड करेगा, ये एंगल मान लीजिए फाई टू हो गया और ये एंगल मान लीजिए फाई वन हो गया। अब फाई टू और फाई वन पूरी लेंथ ऑफ द कंडक्टर को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो छोटी सी वैल्यू निकाली थी कॉस फाई डी फाई, ये डीएल के लिए था। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें माइनस फाई वन से फाई टू तक, तो पूरी लेंथ ऑफ द कंडक्टर कवर हो जाएगा और आपको क्या दे देगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। माइनस इसलिए हमने यूज़ किया है बच्चों, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से ये तो प्लस फाई टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये जो हमने एंगल बनाया है ये उल्टे डायरेक्शन में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस फाई वन, ठीक। चलो सब्सिट्यूट करो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉन्स्टेंट है, कॉस फाई को इंटीग्रेट कर दीजिए आपको मिलेगा साइन फाई, लिमिट्स क्या होंगी माइनस फाई वन फाई टू, लिमिट्स पुट कर दो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आपको क्या दे देगा साइन फाई टू माइनस साइन माइनस फाई वन। ओके, तो हमको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब चलो पुट कर दीजिए वैल्यू, तो बताइए अब आपको आंसर क्या दे देगा, ये दे देगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई टू माइनस साइन फाइव वन, ऑलरेडी माइनस है तो जाएगा प्लस साइन फाइव वन। सो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। तो बच्चों ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट है। अब ये फॉर्मूले से ज़्यादा
जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है इनफिनाइट साइज का। मतलब अगर हम इसी का एक छोटा सा केस बना लें और उस केस में हम इनफिनाइट साइज के लिए देखें, इनफिनाइट साइज मतलब जो कंडक्टर है, अब ये मान लो इनफिनाइट साइज का है, मतलब इसका कुछ बाउंड्री डिफाइन नहीं है, तो बताइए फाई वन और फाई टू कितना होगा। अभी जैसे आपने फाई वन को यहाँ से जोड़ दिया क्योंकि आपको बाउंड्री पता थी, पर अगर आपको बाउंड्री नहीं पता तो बच्चों ये वाली जो लाइन है ना फाई वन, ये ऐसी चली जाएगी क्योंकि बाउंड्री आपको पता ही नहीं है, तो एंगल आप जोड़ ही नहीं पाओगे। तो ये जो फाई वन वाली लाइन आपने जोड़ी है वो बिल्कुल ऐसी चलती चली जाएगी जब तक लेंथ ना मिल जाए। ऐसी ही फाई टू वाली लाइन जो आपने जोड़ी है वो भी ऐसी चलती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफिनाइट साइज के लिए फाई वन और फाई टू की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। देख रहे हैं आपको, अब फाई वन और फाई टू कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया अगर इनफिनाइट साइज है तो। तो यहाँ पर इनफिनाइट साइज अगर आता है तो आपको फाई वन इज इक्वल्स टू फाई टू 90 डिग्री कर देना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट करोगे तो वैल्यू क्या देगी, 2। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आपको फॉर्मूला मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट साइज एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट साइज। ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था कि सर्कुलर के केस में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा होता है सेंटर पर जब पॉइंट रखा उसका फॉर्मूला। ऐसे ही अगर स्ट्रेट वायर है तो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इनफिनाइट साइज का। मतलब ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल जो आप सॉल्व करेंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाने को आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो बच्चों ये हमारा आज का डेरिवेशन था, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो डू मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।